कैसे हो? आज 10 तारीख है मई की और मैं इस्लामाबाद में हूँ। मेरा चेकअप था, मैंने वो किया और काफ़ी अच्छी रिपोर्ट्स आई, मतलब 90% अच्छी रिपोर्ट आई। और हम 5 तारीख को आए थे, काफ़ी दिन हो गए थे मैंने व्लॉग नहीं किया और मैंने कहा कि आज का दिन भी अपनी डायरी में एक ऐड कर लूँ। तो हम खैरियत से इस्लामाबाद में हैं। अच्छा, आज मैं आपसे एक बात डिस्कस करूंगा कि मुझसे किसी ने पूछा, मेरे अपने कज़न ने, शायद इसकी साइड पे तस्वीर भी आ जाए, तो उसने मुझसे पूछा कि यार तुम ये लफ्ज मोहम्मद अपनी डायरी में क्यों यूज़ करते हो। तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं। तो जो सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है वो ये है कि जैसे वो एक ड्रामा सीरियल है उसका आपको क्लिप दिखा देता हूँ। डो टिक टिक डो डो दो और कौन है तुम्हारे साथ? मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं हूँ। इसी तरह मैं खुद अपने आप को अपने साथ मुखातिब करके कहता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मैं खुद भी हूँ। एक तो ये बात हो गई। दूसरी, मोहम्मद कहने का मेरा लिए लॉजिक जो है ना वो ये है कि बेसिकली ये मैंने अपनी डायरी बनाई हुई है, लोग अपनी डायरी लिखते हैं और ये मैं अपनी डायरी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और मैं इस डायरी में खुद अपने आप से मुखातिब होता हूँ कि जब भी मैं ये देखूँगा डायरी तो उसमें यही चीज़ होगी कि हेलो मोहम्मद, मैंने आज ये किया। तो आज भी ये दिन तब भी याद करूँगा कि जब मैं खुद को देखूँगा और खुद से बात करूँगा और कहूँगा कि हेलो मोहम्मद, आज ये हो रहा है। तो आज यही हो रहा है कि मैं इस्लामाबाद में आया हुआ हूँ और मेरे चेकअप हुए हैं, अलहमदिल्ला काफ़ी अच्छे चेकअप हुए हैं। बाकी इंसान के साथ कुछ बीमारियां होती हैं, रहती हैं, जो चलती रहती हैं। इस्लामाबाद का नया एयरपोर्ट मोटरवे के करीब बना और प्लेन को पहली मर्तबा मैंने नए एयरपोर्ट पर लैंड होते हुए देखा और वो मोटरवे पर नज़ारा कुछ यूं था। तो फिर अभी जाना है मुझे, मैंने अफ्तार के लिए कुछ सामान लेना है, वो लेता हूँ और फिर रास्ते में वीडियो बनाते रहूँगा। तो आज अब हम अफ्तार का सामान लेने जा रहे हैं। तो घर से तो रवाना हो गए और अब हम सीधा जा रहे हैं कराची कंपनी, वहाँ से कुछ खाने पीने का सामान लेंगे क्योंकि रोज़ा लगा हुआ है बहुत ज़्यादा और ये रोज़ेदार भी बैठे हैं हमारे साथ। क्या प्रोग्राम है, क्या लेंगे? इंशाल्लाह जी समोसे लेंगे, पकौड़े लेंगे, परोठ चाट लेंगे और चना चाट होगा वो भी लेंगे। चलो तो और भी बहुत और कुछ, हाँ दही भले भी होंगे और भी बहुत कुछ ले लेंगे। तो अभी सीधा चलते हैं कराची कंपनी चमन मेट्रो स्टेशन। जो कि कभी पिशावर मोड़ हुआ करता था, आजकल भी है। लाला, तुम्हारे अंदाजे में डेर असमिल खान से इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? हाँ, तो बहुत अच्छा मौसम है और ये खान में तो गर्मी है, ये भी कह रहे थे वहाँ पर बहुत गर्मी है और यहाँ पर कल रात मुझे भी बहुत गर्मी हुई है। ये तो आपको पता है। हाँ बिल्कुल, आपने एयर कंडीशन चलाया। मैंने एसी चलाया है, मुझे नींद नहीं आ रही थी और नींद आ भी जाती, मौसम का इतना मसला नहीं था, मच्छर का बहुत ज़्यादा मसला था। तो मच्छर की वजह से मैंने ये एसी चलाया था। तो चलो, रात को नींद तो अच्छी आई। हाँ बिल्कुल। ये कराची कंपनी का बस स्टेशन है, अलजन्नत मॉल। ये जल्ले जाते हैं किधर? उस साइड पर चले। हाँ, उसी साइड पे ले जाएं। तो वहाँ पर सीधी गाड़ी चली जाएगी। तो अब गाड़ी से उतरते हैं तो तब वीडियो बनाता हूँ। तो कराची कंपनी तो पहुँच गए। क्या जावेद से लोगे या इससे लोगे? वीडियो बंद करता हूँ तो कुछ खाने के लिए ले लेते हैं, बाद में वीडियो। और दही भले, दही भले दुकान हो गई।
कुछ मैंने उठाई हुई है और कुछ लाला ने उठाई हुई थी वो रख रहा है और मैं भी अब पहुंच गया हूं। तो चलते हैं वापस। फाइनली लाला तो काम हो गया। हाँ शुक्र है काम हो गया। तो उल्टा जलेबी भी ले रही हूँ, बड़ी मीठी मीठी जलेबी होती है। होती तो है, अब तो रमजान का रोजा और भी लगने वाला है। क्या क्या लिए लिए है, अब तो कब ये टाइम गुजरेगा। चलो अल्लाह मंजूर करे रोजे। हाँ ही लिया तो घर को चलते हैं। घर को जा सकते हैं, इधर से जाओ। नहीं बंद हो। हाँ चलो ट्राई करो, ऐसा ना हो रास्ता यहाँ से है आगे निकलने का हो। तो ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, फर्स्ट टाइम हम इस रास्ते से गुजर रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बिल्कुल। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर दो गाड़ियों ने ब्लॉक किया हुआ है। तो चलो एक्सपीरियंस थोड़ा बुरा हो गया है। पहला एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी रास्ता मिल गया है। तो आई थिंक वहाँ से सीधा ऊपर चढ़ेंगे अगर किसी ने चढ़ने दिया तो। और हम वहाँ से आए ऊपर से होकर इधर जा रहे। तो तहजीब के करीब पहुँच गए। तो इससे अच्छा था कि हम सीधे रास्ते से आते तो अब तक हम गुजर भी चुके होते। लेकिन यह रास्ता देख लिया है। चलो बहुत सारी चीजें शॉर्टकट कभी काम आ जाएंगी। तो चमन चौक पर फिर से पहुंच गए। तो अब घर को रवाना, तो अब सीधा घर में जाके मिलते हैं। तो घर भी पहुंच गए, कमाल है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।